नेशनल न्यूज इंडिया 24 के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की कुछ खास खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्दुल अजीज। सपा के कद्दावर नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बलिया पहुंचने पर पत्रकारों से पूछे गए एक सवाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिया हाथ आड़े हाथ। उन्होंने बीते दिनों केजरीवाल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति छापने की बात कही थी, जिसके जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की जवानी। आपको बता दें कि इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य से जब पत्रकारों ने सपा नेता आजम खां के विरुद्ध दिए गए अदालती आदेश के बारे में पूछा तो वो कन्नी काटते नजर आए। आइए सुनते हैं क्या कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। नोट पे लक्ष्मी जी और गणेश जी का तस्वीर छापने को सलाह दिया है, इसको आप कैसे देखते हो, क्या कहना चाहेंगे? अब उनको सद्बुद्धि आए, गुजरात में गाली दे रहे थे और तमाम प्रकार के अनाप शनाप टिप्पणियाँ करने वाले केजरीवाल जी वोट की लालच में क्या क्या ना कर बैठे, और शायद जिस तरीके से उन्होंने विशेष रूप से दो मूर्ति स्थापित करने की बात की है, हम समझते हैं ना उनको भारतीय संविधान का ज्ञान है ना पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष भारतीय संविधान का सम्मान करना जानते हैं, और एक ही नहीं 34 करोड़ देवी देवता हैं। अगर दो देवी देवता को बैठाएंगे तो शेष जो 34 करोड़ देवी देवता वो क्या करेंगे, वो किस नोट पे बैठेंगे, वो किस कृषि पे बैठेंगे? यहाँ बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुस्लिम इस्लाम भी हैं, उनके उनके धर्मगुरुओं क्या होगा, वो जिसको जो उन जो उन्हें मानते हैं जो जिनको वो मानते हैं उनका क्या होगा? इसलिए इस ओछी राजनीति के लिए मैं उनके इस कृत्य की निंदा करता हूँ। ये बयान साफ स्पष्ट कर दिया कि केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का मिली भगत है। केजरीवाल जी वही बोल रहे हैं जो आरएसएस बोलवा रही है। जी मंत्री जी, देखा गया कि आज रामपुर के एमपीएमएलए कोर्ट ने आजम खां को दोषी करार दिया है। 2019 में मोदी और योगी और सीएम के खिलाफ आजम खां अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है था, जिसको लेकर आज एमपीएमएलए कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है और कुछ ही समय में उनको सजा भी सुनाने वाली है, क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय न्यायपालिका के किसी भी निर्णय पर मैं कभी कोई कमेंट नहीं करता हूँ, मैं हाईकोर्ट का एडवोकेट रहा हूँ, तो न्यायपालिका का सम्मान सर्वोपरि होता है, जो भी उसका निर्णय आता है हम उसका सम्मान करते हैं।